ये देख ले साहब, बहन भाई हमारा समीर सोया है। अब मैं आटा गूंदूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देख ले साहब, बहन भाई हमारी शाहीन बैठी है चूल्हे पे। ये देख ले आग जला के। ऐसे शाहीन अस्सलाम वालेकुम, आप कौन? ये देख ले साहब, बहन भाई मैं चाय बना रही हूँ शाहीन के बाबा के लिए। वो कहता है मैं नाश्ता नहीं करूंगा, सिर्फ चाय पियूंगा, इसलिए मैं चाय बना रही हूँ। साहब बहन भाई इतनी स्मोक है ना, इतनी सर्दी है ना बहुत, आज आज भी रोजाना होती है। देख लें साहब बहन भाई हमारी चाय तैयार हो चुकी है और शहीन का बाबा भी गया है, अभी आ चुका है, गया है मुँह धोने। अभी मुँह धो कर आ जाएगा, फिर चाय पिएगा, फिर काम पे चला जाएगा। ये शहीन बैठी है। शहीन तुम चाय पियोगी? ये तो चाय अपने बाबा के लिए, तेरे बाबा के लिए। प्यारे बहन भाई कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शीनो फैमिली व्लॉग, और आज का व्लॉग बेगम साहिबा ने शुरू किया है, तो आज मैं बड़ा ही खुश हूँ क्योंकि पहले मैं इसको बोलता रहता हूँ कि व्लॉग बनाया करो, व्लॉग बनाया करो, लेकिन ये व्लॉग नहीं बनाती। लेकिन आज पता नहीं कैसे व्लॉग बनाया। चलो खुशी की बात है, मैंने इसको बोला कि थोड़ा थोड़ा व्लॉग बनाया करो, आपकी उर्दू भी ठीक हो जाएगी और व्लॉग भी, और अंदर का जो डर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये देख लो सुबह सुबह मैं आग पे आ गया हूँ, ये चूल्हे पे आग जली हुई है और चाय भी बनी हुई है, चाय पी रहा हूँ, आप लोगों ने भी पीनी है तो और मिलकर पीते हैं। और सर्दियों का मौसम है, आपको पता है कि चाय तो बहुत ज़रूरी है, नाश्ते का वैसे भी दिल नहीं था, और चाय पीने के बाद दोबारा फिर काम पे चला जाऊंगा, फिर सारा दिन काम पे गुजार जाएगा। और बेगम साहबा से भी मैंने इसलिए बोला है कि व्लॉग बनाया करो क्योंकि मेरे पास तो टाइम होता नहीं है, ये चलो घर का काम भी करती रहेगी और थोड़ा थोड़ा जो है ना व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहेगी, और इस तरह वीडियो भी मुकम्मल हो जाएगी। मैं शाम को आके एडिट करता हूँ, फिर आप लोगों की तरफ जो है ना हम वीडियो भेज दें। बेगम साहबा ये देख लो आटा गूंद रही है। हाँ शहीन बड़े शौक से नाश्ता करती है भाई, क्योंकि हमने रात को चावल बनाए थे ना, इसलिए हमने चावल खाया है सुबह सुबह। तो प्यारी वर्ष चाय पीने के बाद मैं आ चुका हूँ काम पे। ये देख लो अभी काम स्टार्ट करने वाला हूँ, और इर्द गिर्द का माहौल आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड है, और कुछ मेरे प्यारे जो व्यूवर्स हैं मेरे चाहने वाले हैं बोलते हैं कि आप जो है ना कोई जैकेट वगैरह नहीं पहनते या जर्सी वगैरह नहीं पहनते, तो क्या बताएं कि इस काम में यही कपड़े ही बड़ी मुश्किल से पहने जाते हैं क्योंकि मिट्टी और पानी वाला काम है, ये कपड़े भी गीले हो जाते हैं, चलो ये जल्दी सूख तो जाते हैं, लेकिन अगर जर्सी वगैरह इसके ऊपर पहने तो वो सूखती नहीं है, तो फिर सारा दिन ठंड लगती रहती है, तो ऐसी वजह से जर्सी तो नहीं पहनी जा सकती। और अब ये देख लो जो है ना ईंटें भी इस मौसम में बहुत कम सूखती हैं, ज़्यादातर गीली रहती हैं, तो ये देख लो हमने इस तरीके से तरतीब लगाया हुआ है, ये बीच में से रास्ता बनाया है, वो पीछे आप मिट्टी देख रहे हैं, उसको उस मिट्टी को मैं इधर लेकर आऊँगा और ईंटें बनाऊँगा। सुबह जो थी ना धुंध बहुत कम थी, लेकिन अब जो है ना धुंध मुसलसल बढ़ती ही जा रही है। ये देख लो सिर्फ चंद मीटर के फासले पर भी जो है ना कैमरा आपको दिखा पा रहा है। ये देख ले साहब बहन भाई आज इतनी सर्दी है ना बहुत, ये देख ले काम कर रहा है और हाथ पांव बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, और बेगम से वह पूछने आई है कि मीठी रोटी बना रही हूँ खाओगे? मैंने कहा इतनी सर्दी है क्यों नहीं खाऊंगा, गरम गरम पकाओ मैं आ रहा हूँ। क्योंकि साहब बहन भाई ये रोटी नहीं खाता, ये रोटी छोड़ दिया इसने, मैंने कहा कमजोरी कह रहे वाल मुझे कमजोरी है, इसलिए मैंने कहा रोटी खा लो ना, थोड़ी सी खा लो रोटी, कमजोरी हो चुकी है ना। चलो आ रहा हूँ पकाओ जाओ। चलो पका रही हूँ मैं वाले। चलिए ये आप देख सकते हैं एक लाइन मैंने बना ली है और अब जा रहा हूँ घर। आपको पता है कि बेगम सब बुला कर गई है कि मीठी रोटी बना रही हूँ, आकर खा लेना, अगर वो ठंडी हो गई तो फिर किसी काम की नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुका हूं मैं घर, और ये समीर बैठा हुआ है। तू क्यों ब्रेक लगा गया अपने आप को? बैबे करो बैबे करो। हाँ जी ये सर्दी से लगता है जम गया है, और ये देख लो सुबह सुबह चावल लेकर खा रहा था, और ये देख लो शाहीन, और ये मेरी मीठी रोटी बन चुकी है, मैं अभी खाऊंगा। तू क्या शिकायत लगा रहा था? ये क्या शिकायत लगा रहा है? ये कोई शिकायत लगा रहा है?
हैं कि चावल ठंडे करके दिए हैं, ठंडे चावल दिए तुझे हैं। चलो ठीक है, ये कहते रहे जिया। और प्यारी और ये देख लो मैं आ चुका हूँ, मीठी रोटी बन चुकी है, आओ मिलकर खाते हैं। और दूसरी रोटी भी बना रही हो? दूसरी रोटी बना रही हूँ, कहती मेरा बाबा खा जाता है सारी ऐसे अच्छा। और समीर समीर भी खाएगा? अच्छा तू भी खाएगा रोटी मीठी? चलो ठीक, हाँ ठीक है। ये क्या कह रही हो? घर का काम होता नहीं प्यारे व्यूअर्स, ये देख लो मेरे साथ काम करवाने के लिए आ गई। बस 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 मेहरबानी करो, हाँ मेहरबानी करो, मैं खुद काम कर लूँगा। और शहीन को इतनी सर्दी में लेकर आ गई हो? ओ ओ ओ चलो ठीक है, जाओ जाओ, शाबाश शाबाश, सर्दी है, इनको अंदर बिठाओ। चलो धूप मज़े की निकल चुकी है और बेगम सेबा मेरे लिए पानी लेकर आ चुकी है, और ये मुँह में पानी भर के खड़ा है। इसको कहते ना मुँह खोल, ये नहीं खोलता, मुँह खोलो वैसे एक मुँह पानी है, पानी है। शहीन तू भी आ गई है, और बेगम साहब ये देख लो सारे कपड़े धो के खड़े कर दिए हैं, ये झुल्लियाँ हैं शहीन की। ये देख लो साहब बहन भाई, मैं हम सब घर से एक पालक लेके आई हूँ, ये देख लो, ये अब बनाऊंगी मैं पालक। और ये समीर खड़ा है, चीज़ खा रहे हो मुझे दो। ये शहीन खा रही है शायद, ऐसा शहीन बल्ला खा रही हो, ए भी खा रही हो। यार व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं कि बेगम साहबा ने सारा जो है ना इधर घास ही घास रखा हुआ है, घास है, पालक है। अच्छा ये पालक है, इसको ताल वाली पालक बोलते हैं, ताल वाली पालक है। हाँ, ये इतनी मजे की बनती है ना जितना आप सोच सकते हैं, गोश्त से भी ज्यादा मजे की ये बनती है। अरे तू क्या बोल रहा है बेटा, दूध नहीं देती अम्मी? हाँ तेरी शिकायत लगा दी है तेरे बेटे ने। और सारे बर्तनों का इसने सत्यानाश कर रखा है। तो शहीन तुझे रोका नहीं है? फिर पानी पी रही हूँ, घंटा तो हो गया तुझे पानी पीते हुए। तो ठीक है आप फिर घास पकाओ है, मैं फिर आता हूँ। तो ये देख लो प्यारे विवाज, बिल्कुल रात हो चुकी है और अभी भी मेरा जो है ना काम बाकी है, लेकिन मैंने सोचा चलो जाकर व्लॉग का एंड कर लेते हैं। और बेगम साहिबा ने ये देख लो वो जो पालक लेकर आई थी वो पका ली है, आलू और पालक, और शहीन भी साथ में जुड़कर बैठी है, और समीर तो बस अपनी मखसूस जगह पर बैठा हुआ है। तो इसके बाद है रोटी, अभी मेरा तकरीबन आधे घंटे का काम बाकी है और मैं जा रहा हूँ दोबारा काम पे। तो ये आज की छोटी सी शेयरिंग थी, उम्मीद है कि आप दोस्तों को पसंद आई होगी। कल नेक्स्ट में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।